अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज की वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। हाँ जी बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं सईद गनी की हेयर ग्रोथ क्रीम और हेयर ग्रोथ वाटर की। ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ये मैं पहले भी मेरी जो है एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है इनकी हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स की, ये मैंने दूसरी दफ़ा ऑर्डर करे हैं। और दूसरी दफ़ा ऑर्डर करने का मकसद ये होता है कि हमें जो पहले वाली चीज़ मिली थी उसका रिज़ल्ट हमें बहुत ही बेहतरीन मिला है, इसी वजह से हम लोग दूसरी दफ़ा लेते हैं। अच्छा जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप पुराने हैं तो चैनल पर बने रहिएगा। ओके जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी प्राइस की। तो ये दोनों प्रोडक्ट हेयर ग्रोथ वाटर और हेयर ग्रोथ क्रीम दोनों मुझे मिले हैं 759 रुपीज़ के विथ डीसी घर पर, मैंने सीओडी किया था। ओके जी, दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं इनकी पैकिंग की। तो पैकिंग वही है जैसे कि आम एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट और सईद गनी के दूसरे प्रोडक्ट्स की होती है। कार्डबोर्ड की इनकी जो है ना पैकिंग है सिंपल सी, जैसे कि दूसरे प्रोडक्ट्स की होती है। पाकिस्तान में सारे जो प्रोडक्ट्स आजकल आ रहे हैं इसी पैकिंग में आ रहे हैं। अच्छा जी, इनर पैकिंग की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह की नजर आएंगी आपको। हाँ जी बिल्कुल, आपको जो हेयर ग्रोथ वाटर होगा वो आपको स्प्रे बॉटल में मिलेगा इस तरह से। इसकी जो प्लास्टिक है बहुत अच्छी है और इसका जो पंप है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं आपको शावर करके भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है। और जो ये इनकी क्रीम आती है वो आती है इस तरह से ट्यूब की फॉर्म में, ये इस तरह की इनकी ट्यूब है। और लेकिन जो इनर पैकिंग है बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है। इस कीमत में मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा जी, अगर बात की जाए वेट की तो हेयर ग्रोथ क्रीम का वेट 60 ml है और हेयर ग्रोथ वाटर का जो वेट है 120 ml है। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो हेयर ग्रोथ वाटर में मेन इंग्रेडिएंट्स में आंवला, नीम और हेना मौजूद हैं। और अगर बात करें हेयर ग्रोथ क्रीम के इंग्रेडिएंट्स की तो उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स में विटामिन ई, शिया बटर और ग्लिसरीन मौजूद हैं। ओके जी, इसका जो क्रीम का टेक्सचर है वो बहुत ही मुलायम क्रीम जैसा है, इसमें शेविंग क्रीम जैसी खुशबू है, ग्लिसरीन मौजूद है तो बहुत सॉफ्ट है। ओके जी, अब हम बात करेंगे इनके बेनिफिट्स की कि इन दोनों ट्यूब से और हेयर ग्रोथ क्रीम से और हेयर ग्रोथ वाटर से जो है ना हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, हम लोग इनको क्यों इस्तेमाल करें। तो अगर देखा जाए कि दोनों के जो बेनिफिट्स इन लोगों ने यहाँ पर बताए हुए हैं, इनके जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर बताए हुए हैं, तो दोनों के जो बेनिफिट्स हैं तकरीबन सेम ही हैं। जैसे कि ये हमें हेयर लॉस से बचाते हैं और हेयर ग्रोथ करते हैं यानी कि बालों को बढ़ने में मदद देते हैं। इसमें मौजूद हैं कुदरती जड़ी बूटियाँ जैसे कि आंवला, नीम, हिना, जो कि हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं और बालों को जो है ना नरिश करते हैं, बालों को जो है ना जड़ों से मजबूत करते हैं। अच्छा जी, बालों की जड़ें अगर मजबूत होती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, बालों को जो है ना जरासीम से पाक रखते हैं। और जो सूरज की शुआओं की वजह से हमारे बाल डैमेज होते हैं और पल्यूशन की वजह से हमारे बाल ख़राब होते हैं तो उनसे भी बचाते हैं। बालों के अंदर जो डैंड्रफ मौजूद होता है उनको ख़त्म करती हैं। और ये जो है ना बिल्कुल सही है, मेरे बालों में जितना भी डैंड्रफ था इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, बालों को गिरने से बचाते हैं और बालों को बहुत ज़्यादा जो है ना मजबूत बनाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी कि हम इसको लगाएंगे कैसे। तो हेयर ग्रोथ क्रीम जो होती है उसको आपने ले लेना है देसी तरीके से, जैसे मैं खोल रही हूँ ऐसे खोल लेना, और उसके बाद जो है ना अपने हाथों पे लगा लेनी है, आपने अपने स्कल्प से लगानी है, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आपने बालों पे लगाना है, यानी कि ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्कुल वैसे अपने बालों को लगाना है। आप इसको बिफोर बाथ भी लगा सकते हैं, आफ्टर बाथ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक चिपचिपापन जो होता है वो नहीं होता है, ये बालों में जिस तरह से लगती है बिल्कुल इसको बाल जो है ना बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर होता है
होता है हेयर ग्रोथ वाटर का, आप नहाने के बाद इसको जो है लगाएं। अच्छे रिजल्ट के लिए दोनों क्रीम को और हेयर ग्रोथ वाटर को दिन में 2 से 3 दफ़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने किया है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को रेकमेंड। ओके जी, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है ना ऑल टाइप ऑफ हेयर्स के लिए हैं, जितने भी बालों के साम आते हैं सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, बहुत ही इनके उम्दा रिजल्ट्स हैं। मेरे बालों की जो ग्रोथ हुई है इनसे बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा जी, यही था आज की वीडियो में, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और अगर ऐसा है तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।